नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी और नौसेना के जॉइंट ऑपरेशन के जरिए केरल में कोची तट के पास करीब 2500 किलोग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त की गई है। ये जब्ती एक पाकिस्तानी नाव से की गई है जिसकी कीमत 12000 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके साथ ही एक संदिग्ध पाकिस्तानी को भी गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स की इस खेप को पाकिस्तान और ईरान के आसपास मकराना के तट से बड़े जहाजों में भेजा गया था। जब्त की गई मेथमफेटामाइन को 134 बोरियों में रखा गया था। एनसीबी का दावा है कि ये मेथमफेटामाइन खेप अफगानिस्तान से भारत, श्रीलंका और मालदीव से भेजी जा रही थी। अब इस मामले में ISI के गुर्गे नए दाऊद यानी हाजिज सलीम को शामिल बताया जा रहा है। एनसीबी के मुताबिक ये देश की सबसे बड़ी मेथमफेटामाइन की जब्ती है। इस जब्ती को ऑपरेशन समुद्रगुप्त की नई उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, जिसे दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान ISI के बीच अहम कड़ी मानी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं धे टीवी। दरअसल समुद्र से सटे भारत या अन्य देशों में भी ड्रग ट्रैफिकिंग समुद्र के जरिए होती है, क्योंकि यहां से एंट्री और एग्जिट जमीन की तुलना में आसान होती है और यहां अवैध गतिविधियों की मॉनिटरिंग और कंट्रोल भी मुश्किल होता है। यही नई तस्करी के जहाजों को ऐसा बनाया जाता है कि उसमें ड्रग्स छिपाना आसान होता है, जिससे कानूनी एजेंसी की जाँच ट्रिक फेल हो जाती है। इसके साथ साथ जांच के सीमित संसाधन और कानूनों की असमानता भी समुद्री रास्तों के यूज का एक बड़ा कारण है। इसी के मद्देनजर भारत में हो रही ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए फरवरी 2022 में ऑपरेशन समुद्रगुप्त लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना और इसमें शामिल बड़े बड़े सिंडिकेट का पता लगाना था। इस ऑपरेशन की खासियत ये भी है कि इसके रिसोर्सेज NCB और नेवी की टीम ने खुद डेवलप किए हैं। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अलग अलग एजेंसी के साथ मिलकर एक साल में 40000 करोड़ की ड्रग पकड़ी है। एनसीबी के अधिकारियों के बयान के मुताबिक ये ऑपरेशन भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड की मदद से शुरू किया गया था। इसके जरिए पाकिस्तान, बहरीन या दुबई बेस्ड तस्करों पर नजर रखी जा रही थी। इसके बाद इस मिशन का सबसे पहला ऑपरेशन इंडियन नेवी की मदद से फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया। तब पहली बार एनसीबी और नेवी की टीम समुद्र के अंदर गई थी और 700 किलो ड्रग की जब्ती की गई थी। दूसरी बार अक्टूबर 2022 में कोची में ड्रग पकड़ी गई। इस बार का ऑपरेशन भी गहरे समुद्र में ही चलाया गया था, जिसमें 6 ईरानी पकड़े गए थे। हाल ही के ऑपरेशन में टीम एक महीने तक समुद्र में रही, जिसके चलते भारत की सबसे बड़ी ड्रग जब्ती की गई है। इसमें पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़ा गया है। अब तक बरामद की गई ड्रग की जांच में पता चला है कि ये ड्रग सिंडिकेट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। ये जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए ईरानी बोट और मकरान कोस्ट, ग्वादर कोस्ट का प्रयोग करते हैं। इस ड्रग सिंडिकेट में बड़ा हाथ कराची के रहने वाले हाजिज सलीम का बताया जा रहा है, जो इस पूरे गिरोह को संचालित करता है और ISI और अंडरवर्ल्ड को भी फंडिंग करता है, जिसके चलते ड्रग तस्कर हाजिज सलीम पर भारतीय खुफिया एजेंसी NIA, IB, रॉ और NCB की नज़र बनी हुई है। सलीम कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार की तुलना में ज़्यादा गुप्त तरीके से काम करता है। अधिकारियों के मुताबिक सलीम ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बीच घूमता रहा है। लगे हाथ बात कर लेते हैं मेथमफेटामाइन ड्रग की। इसकी खोज 1893 में हुई थी। इसे क्रैंक, स्पीड और मैथ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक शक्तिशाली और उत्तेजक नशीला पदार्थ है, जो लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। वहीं क्रिस्टल मेथमफेटामाइन एक ऐसा ड्रग है जो शीशे के टुकड़े या चमकदार नीली सफ़ेद चट्टानों के टुकड़े की तरह दिखता है। मेथमफेटामाइन का इस्तेमाल अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD और नार्कोलेप्सी जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। NCB का गठन कब किया गया था? हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।